कनिष्ठ वर्ग से, पृथ्वी सदन से, मनीष चौथी कक्षा से, बच्चे मंच पे आ जाए। ऊपर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर साइंस के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। यही है राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से पहचान हमारी, हिंदी से पहचान। हिंदू प्राण की पहचान है हिंदी, हिंदू प्राण की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, वीर पुत्रों की भूमि है हिंदी, वीर पुत्रों की भूमि है हिंदी, है पाया है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वह सब मेरी सखी सहेली हैं, हम आपस में क्यों टकराए, हम बहनें बड़ी भोली भाली हैं। सभी भाषाओं के शब्दों को मैंने अपने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। मैंने अनेक फिल्मों में अपनी जननी है और अनूठी है ये हिंदी, पाठ्य है और परिवार परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने का जंगल है ये हिंदी, पढ़ने पढ़ाने में सहज है सुगम। जिसके बिना हिंदी थम जाए, जिसके बिना हिंदी थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को भी जीत लिया। अति कबल ना बोलना, अति कबल ना चुप, अति कबल ना बोलना, अति कबल ना चुप, अति कबल बरसाना। मन मछली नीर को कौ ना छाड़ी छो, रही मन मछली नीर को हूँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का वीरा फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद भी आते जाते राही को छाया नहीं। आपके सामने दोहा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को दारी दे। अब मेरा अगला प्रश्न है मंगल सदन के लिए, मिठाई की भाववाचक संज्ञा क्या है? जी हाँ, आपका उत्तर सही है, मिठास। अब बृहस्पति सदन के लिए प्रश्न है, भाषा का शुद्ध ज्ञान कौन करवाता है? जी हाँ, आपको प्रश्न एक बार फिर से समानार्थक शब्द बताइए। ऋतु बोले में हमें शर्म नहीं बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही संदेश देना चाहती हूँ, शर्म नहीं सम्मान है, शर्म नहीं सम्मान है, हिंदी ही हमारा अभिमान है, हिंदी ही हमारा अभिमान है। हिंदी पखवाड़ा यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।